रेड जोन में तो खैर सारे बंदिश रहेंगे रहेंगे, पर जो ऑरेंज जोन होगा या जो ग्रीन जोन बन जाएगा या बना हुआ है, उसके अंदर भी कल की छूट देने के बावजूद भी, कल की छूट देने के बावजूद भी आप निश्चिंत रहें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग, और जो जो बंदिश हैं वो तो अपनानी पड़ेगी सब जगह, उसी से काम चलेगा। और ये तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन जब खत्म पूरा हो जाएगा तब भी जो स्थिति बन गई है उसमें हैबिट में डालना पड़ेगा लोगों को, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क लगाए, ये लंबे समय तक चलने वाला काम है। और ये लोगों को हमें अभी तो ग्रीन जोन में भी और ऑरेंज जोन में भी हम उसको मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। कल ही हमने मीटिंग करी है, तय किया है कि लॉकडाउन में जो ढील दी गई है उसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन में पूरी तरह ढील दे दी गई है, खाली इंडस्ट्री दुकान खुल सके, इंडस्ट्री चल सके, वो छूट दी गई है, परंतु बाकी जो है बंदिश से ये बाकी डिसिप्लिन है, चाहे वो मैंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग के हो, चाहे हम लोगों ने यहाँ तक किया भाई कि जो पान और जरदार गुटके खाते रहते हैं, थूकते रहते हैं, वो भी कोरोना फैलाने का कारण बन सकता है, उसमें भी भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। इन तमाम बातों का, मास्क लगाने का, ये तमाम मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा हम लोगों के साथ साथ में, क्योंकि ये इतनी खतरनाक महामारी है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते किसी भी रूप में इसके लिए। और उसके साथ में हमने भी किया कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर या आयुष्मान भारत के अंदर, आयुष्मान भारत जो बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो 60 प्लस उम्र के लोग हैं उनके लिए भी हमने कहा जो हॉटस्पॉट है वहां पर हम लोग चाहेंगे कि किस प्रकार से 60 प्लस के लिए भी ध्यान अलग से रखें, क्योंकि मालूम है 60 प्लस वालों को ज्यादा तकलीफ होती है, तो वो भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। और तमाम मेडिकल जो दुकान वाले उनको भी कहा गया है, जैसे आपने कहा अभी कि जैसे उनके पास इन्फॉर्मेशन कोई मरीज आए या मरीज का रिश्तेदार आए तो किस प्रकार से हमने इसको डील करें, कैसे इतला करें जिससे कि टाइमली इलाज शुरू हो सके। और तो और हमने राजस्थान भर में करीब 422 मेडिकल वैन लगा दी है गांव गांव के अंदर, वो घूम रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं लोगों के, क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन में कुछ तकलीफ हुई थी आने जाने के अंदर, और साथ में कोई अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो उनको भी इतला करते हैं CMHO को कि हायर अथॉरिटी को, कैसे उनका इलाज शुरू कर सके टाइमली जिससे कि फैले नहीं। तो तमाम काम मेटिकुलसली राजस्थान में किए गए और उसका लाभ आप देख रहे हैं कि हमें मिला भी है, हालांकि संख्या बढ़ी है, इसमें कोई दोहरा नहीं, संख्या सब जगह बढ़ रही है, पर उसके बावजूद कंटेनमेंट का जो हमारा रूथलेस कंटेनमेंट की जो बात की गई उसको हम फॉलो कर रहे हैं। लॉकडाउन ने देश की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है, उस पर खड़े होने में टाइम लगेगा, 6 महीने 6 साल लग सकते हैं, और लॉकडाउन में राज्यों की स्थिति जो स्थिति बनाई कोई कल्पना नहीं कर सकता है, वही भारत सरकार की बन गई है, और बगैर भारत सरकार की इमदाद के राज्य सरकारें किसी रूप में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है। मार्च अप्रैल के अंदर 10,000 करोड़ कम हो गए होंगे हमारे, 10% इकोनॉमी मुश्किल से रही होगी राजस्थान के अंदर भी, हर राज्य की यही स्थिति है देश के अंदर। इसलिए हमने स्टिमुलस पैकेज की बात की है भारत सरकार से भी, GDP का जो परसेंटेज है वो बढ़ाए उसके अंदर इस पैकेज में, स्टिमुलस में राज्यों को जो मिलता है GST का पैसा वो टाइम पे मिला, अभी रुका हुआ है, राज्यों के जो कर्जे मिलती है उसकी लिमिट बढ़ाई जाए, लिमिट भी हमें लेनी पड़ती भारत सरकार की, तो 3% की बजाय 5% की जाए, हमने कई उनसे मांगे की है। और उसी रूप में हमने राजस्थान में कोई इकोनॉमिक गतिविधि शुरू भी की है, करीब 7,000 इकाइयाँ स्टार्ट हो चुकी राजस्थान के अंदर और 1,30,000 ज़्यादा मजदूर लग चुके हैं काम में। इस प्रकार से हम लोगों ने टाइमली सब काम उठाए हैं और मजदूरी मिलती रही लोगों को, ये हम श्रमिकों का आवागमन चल रहा बड़े रूप में, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बार श्रमिकों के मन में भाव आ गए, मुझे अपने गाँव जाना, एक बार तो मुझे अपने माँ बाप से मिलना है, गाँव वालों से मिलना है, पता नहीं कोरोना कब तक चलेगा, कब तक लॉकडाउन चलेगा, लॉकडाउन खुल भी जाएगा वापस लग जाएगा, ये आशंकाएं जो चल गई थी देश के अंदर उस पर एक बार मजदूर का घर जाना आवश्यक था। और ये सरकार ने फैसला ठीक किया है, हमारी बात को उन्होंने स्वीकार किया है, मजदूरों का आवागमन को अलाउ किया है, साथ में ट्रेन की मांग हम लोगों ने करी जोर शोर से उठाई, उसको माना है,
कुछ लोग कहते हैं साहब मजदूर जाएंगे तो काम फैक्ट्री कहीं चालू होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। मजदूर तो थोड़े बहुत अभी एक साथ आ ही नहीं पाएंगे, धीरे धीरे आएंगे। एक बार गांव जाने के बाद 15-20 दिन रहेंगे गांव वालों के साथ में, घर वालों के साथ में, वापस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वापस वो मजदूरी में आ जाएंगे। एक बार उनको भेजना बहुत आवश्यक था, ये मानव प्रवृत्ति होती है, इसलिए ये फैसला ठीक हुआ है।